हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज थोड़ा प्रैक्टिकल वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं ये मॉड्यूल के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि ये जो मॉड्यूल है, ये आप लोगों को जान पहचान वाला मॉड्यूल है, लेकिन इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो यूज करने पर फ़ायदा क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, और देखने में भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये मॉड्यूल को मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक 12 वोल्ट का SMPS में जोड़ के रखा हूँ, हैवी वाट SMPS। इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया है, चैनल में अपलोडेड है, सो उसमें इतना मॉडिफिकेशन नहीं था। देखिए, ये मॉड्यूल को SMPS में कनेक्ट करके रखा हूँ, ये 12 वोल्ट का SMPS है। देखिए, पहले मैं इस पर पावर कनेक्ट कर देता हूँ। पावर कनेक्ट कर दिया हूँ और आउटपुट में वोल्टेज कितना बता रहा है मल्टीमीटर पर, देखिए 12 वोल्ट के अक्रॉस बता रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, लोड कनेक्ट करता हूँ। देखिए कितना हो रहा है, 4 वोल्ट के अक्रॉस बन रहा है लोड में। पावर ऑफ कर देता हूँ। सो आप लोगों ने देखा, 4 वोल्ट आउटपुट में दिखा रहा है, 12 वोल्ट, लेकिन लोड देते ही वोल्टेज क्या हुआ, बैठ जाता है। देखिए, ये जो पोटेंशियल मीटर है ये मॉड्यूल में, इसको थोड़ा मैं देखिए, अभी मैं इसका जो पोटेंशियल मीटर को थोड़ा घुमा दिया हूँ। अभी इसका वोल्टेज रेंज देखिए, ये जो पोटेंशियल मीटर एक्चुअली ये वोल्टेज के लिए नहीं है, वोल्टेज अप डाउन नहीं करेगा इसको कम ज़्यादा करने पर। अभी पावर कनेक्ट करता हूँ, देखिए वही वोल्टेज दिखा रहा है 12.36। पहले क्या दिखाया था, 12.36 के 12 वोल्ट के अक्रॉस दिखा रहा था, लोड देते ही 4 वोल्ट में सप्लाई बढ़ गया। अभी मैं पावर कनेक्ट करके लोड कनेक्ट करता हूँ, देखिए अभी देखिए 7.50 ऐसे इसके करीब 7.5 वोल्ट के अक्रॉस लोड पे दिखा रहा है, लेकिन विदाउट लोड पे क्या हो रहा है, 12.36 वोल्ट दिखा रहा है। बिना लोड पे वोल्टेज 12 वोल्ट के ही आसपास दिखा रहा है, लेकिन पहले जो पोटेंशियल मीटर को जीरो लेवल पे रखा था तभी क्या आउटपुट में लोड के साथ 4 वोल्ट दिखाया था, अभी कितना दिखा रहा है, 7.50 ऐसे दिखा रहा है। अभी क्या करता हूँ, इसका जो पोटेंशियल मीटर है इसको और ज़्यादा घुमा देता हूँ। आप लोगों ने देखा, ये पोटेंशियल मीटर को मैं जितना भी घुमाऊँ लेकिन वोल्टेज में कोई अंतर नहीं हो रहा है, वोल्टेज वही 12 वोल्ट करके ही आउटपुट में मिल रहा है। अभी पोटेंशियल मीटर थोड़ा और हाई कर दिया हूँ। सो अभी पावर कनेक्ट करके देखते हैं। सो अभी कितना वोल्टेज दिखा रहा है, वही 12 वोल्ट दिखा रहा है पहले जैसा, वोल्टेज में कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है, हम लोग कितना भी पोटेंशियल मीटर को कम ज़्यादा करें, लेकिन लोड में कुछ डिफरेंट आ रहा है। लोड में पहले थोड़ा 4 वोल्ट के अक्रॉस, उसके बाद 7 वोल्ट के अक्रॉस, अभी देखते हैं कितने वोल्टेज के अक्रॉस लोड में बन रहा है। देखिए अभी क्या हो रहा है, जितना आउटपुट में बिना लोड में बन रहा है, लोड में भी उतना वोल्टेज बन रहा है। आउटपुट का जो लोड है वो भी हैवी लोडेड है, आप देख पा रहे हो शायद। देखिए एक्चुअली ये जो मॉड्यूल है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी थोड़ा बता देता हूँ। पहले इसको PCB से रिमूव मार लेता हूँ, तभी जाके आप लोगों को अच्छा होगा इसको देखने में और समझने में। चैनल में बहुत जल्द मैं एक SMPS रिलेटेड कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए आप लोगों को 1 time ₹299 पे करना पड़ेगा। अगर आप लोगों में कोई इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके उसमें जुड़ सकते हो। इसको फ्रिक्वेंसी में ये जो मल्टीमीटर को मैं घुमा देता हूँ। सो अभी पावर कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए पावर कनेक्ट करता ही इसका जो स्विचिंग चल रहा है, देखिए कोई भी SMPS में एक्चुअली असली फंडा क्या है, उसके स्विचिंग में MOSFET जितने स्पीड पे स्विचिंग करना है उसके ऊपर डिपेंड करके आउटपुट में वोल्टेज तैयार होता है और एम्पीयर तैयार होता है। ये जो मॉड्यूल है, इस पे जो प्रीसेट है पोटेंशियल मीटर जिसको बोलते हैं, इसको घुमाने पर आउटपुट पे वोल्टेज का कोई चेंजेस नहीं हुआ था, लेकिन पोटेंशियल मीटर घुमाते ही आउटपुट का वोल्टेज में जो लोड है उसमें चेंजेस आ रहा था। देखिए अभी मैं इसका पोटेंशियल मीटर को मैं अभी कितने फ्रिक्वेंसी पे ये स्विच कर सकता है आप देख पा रहे हो, 15 kHz पे अक्रॉस, देखिए KZ लिखा है। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको इंक्रीज कर देता हूँ फ्रेंड। देखिए इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड, देखिए देखिए पोटेंशियल मीटर आप जितना घुमाओगे उसके अप्रोक्स, देखिए अभी 20 kHz पे फ्रीक्वेंसी चल रहा है।
देखिए अभी देखिए 42 किलोहर्ट्ज़ पे ऐसे करके आप एक घुमाते ही देखिए इसका फ्रीक्वेंसी, देखिए मैं फुल कर देता हूँ, देखिए पूरा कर दिया हूँ तो कितना करके आउट हो रहा है 96 किलोहर्ट्ज़। देखिए फुल हुआ कि नहीं हुआ मत नहीं देख लेता हूँ एक बार, पूरा घुमा देते ही देखिए कितने फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग चल रहा है 95%। चलिए ये जो SMPS है इस तरीके का जितना SMPS है आप लोगों को तो पता नहीं है कि ये SMPS कितने फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करेगा तो आउटपुट में सही वोल्टेज और एम्पियर आउट होगा। सो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके जैसा एक मॉड्यूल बना के रखो। मॉड्यूल बनाने के बाद आप लोगों को फायदा क्या मिलेगा, कोई भी SMPS पे पहले आप मॉड्यूल इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करने के बाद मॉड्यूल कब इंस्टॉल करता है, जब भी उसका कोई कंपोनेंट्स वगैरह स्विचिंग वगैरह कंपोनेंट्स वगैरह नहीं मिलते। एक्चुअली देखिए कोई भी SMPS को कोशिश कर रहा टाइम उसका ओरिजिनलिटी जैसे था वैसे रखने के लिए, तभी वो जो आपका SMPS है वो भी बढ़िया रहेगा। लेकिन हम लोग कभी कभार क्या करते हैं कुछ मॉड्यूल लगा देते हैं क्योंकि मार्केट में उसके कंपोनेंट्स या इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स नहीं मिलने की वजह से, तभी हम लोग देखते क्या है कि इसका जो वोल्टेज और एम्पियर प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है। वोल्टेज तो बन जाता है लेकिन हैवी लोडेड SMPS पे प्रॉपर एम्पियर नहीं बनता है, जो 100 वाट 150 वाट ऐसे करके जो SMPS आता है उसका आउटपुट में एम्पियर नहीं बनता है। तो उसी जगह पे एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों ने जो मॉड्यूल लगाते हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है मतलब सेकेंड पे जो ऑफ ऑन स्पीड चल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी लो, जितना चाहिए SMPS को उतने फ्रीक्वेंसी पे हम लोग इसका जो MOSFET है उसको स्विचिंग नहीं करवा रहे हैं। उसके वजह से आउटपुट में वोल्टेज तो दिखा रहा है लेकिन प्रॉपर एम्पियर नहीं दिखा रहा है। सो अगर आप लोग इस तरीके का कोई मॉड्यूल मॉडिफिकेशन करके रखेंगे तो पहले आप लोग चेक कर पाओगे कि कितने फ्रीक्वेंसी आप लोगों को SMPS में देने पर SMPS सही तरीके से वोल्टेज और एम्पियर निकल सकता है। सो पहले घुमा घुमा के देखा लीजिए कि हाँ भाई हमारा जो SMPS है यहाँ हमारा ये जो SMPS है 80 किलोहर्ट्ज़ पे प्रॉपर तरीके से वोल्टेज और एम्पियर आउट कर रहा है। सो उस तरीके का कोई मॉड्यूल इस पे आप डाल दीजिए या इसका जो पोटेंशियल मीटर है उसको निकाल के जितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाने पर वो 80 किलोहर्ट्ज़ बनेगा उसको बना के लगा दीजिए, क्योंकि देखिए ये प्रीसेट पे तो फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा आ रहा है। सो ये प्रीसेट आप लगा के नहीं कस्टमर को दे सकते हैं क्योंकि एक कभी कभार हाई भी हो सकता है लो भी हो सकता है, लेकिन इसको निकाल के आप प्रॉपर तरीके से एक फिक्स्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के आप लोग डिलीवरी करेंगे SMPS को तो SMPS आसानी से चलेगा। मतलब ये SMPS का असली खेल है ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करके पहले जब मैंने लो फ्रीक्वेंसी मतलब 15 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे SMPS को स्विचिंग किया था तभी भी आप लोग देख पा रहे थे आउटपुट में 12 वोल्ट बन रहा था, लेकिन लोड पे कितना हो रहा था, लोड पे 4 वोल्ट के अक्रॉस बन जाता था। उसके बाद जब मैं 50 किलोहर्ट्ज़ गया अप्रोक्स फ्रीक्वेंसी कर दिया तभी आउटपुट पे वोल्टेज 12 वोल्ट हो रहा था लेकिन लोड पे 7.5 वोल्ट के अक्रॉस हो रहा था। उसके बाद जब मैं पूरा घुमा दिया हूँ 95 किलोहर्ट्ज़ पे स्विचिंग किया SMPS पे तभी जाके उसका या रिक्वायर वोल्टेज और रिक्वायर लोड सही तरीके से काम कर रहा था। सो इस तरीके का मॉड्यूल आप लोग अगर आप लोगों के काम की टेबल पे रखोगे तो कोई भी SMPS को काम करना टाइम आप लोग उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करने में आप लोगों को कोई दिक्कतें पैदा नहीं होगा, क्योंकि देखिए छोटा मोटा जो SMPS होता है उनका फ्रीक्वेंसी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी मॉड्यूल लगा दोगे तो आउटपुट में प्रॉपर तरीके से वोल्टेज बनेगा। लेकिन हैवी वेट जितना SMPS आता है उसको प्रॉपर उतने किलोहर्ट्ज़ पे अगर आप लोग स्विचिंग नहीं करोगे तो आउटपुट का लोड बैठ ही जाएगा। एक्चुअली ये जो मॉड्यूल है ये मार्केट में मिलने वाला जो मॉड्यूल है 5 वायर वाला आप लोगों को पता है वही मॉड्यूल है, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। इसका जो पोटेंशियल मीटर है ये एक्चुअली काम करता है वो मॉड्यूल पे वोल्टेज को कम ज़्यादा करने पर, किंतु लेकिन ये मॉड्यूल पे ये पोटेंशियल मीटर काम करता है फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करने में। सो फ्रेंड आज का वीडियो यही तक, वीडियो में दिया हुआ जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो और ये चैनल आप लोगों को देखने लायक लगता है तभी जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।